हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। अगर आप घर पर ही बाज़ार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चिकन टिक्का खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी क्विक, ईजी एंड डिलीशियस होगी और मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता सकूँ चिकन टिक्का बनाने का। तो चलिए अब हम इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च की चटनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून दही, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करा है, आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3-4 घंटे बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 24 आवर्स के लिए मैरिनेट करूँगी। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नींबू, सॉरी इसमें बीज गिर गए हैं, मैं इसको बाद में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, हमारे चिकन को 24 आवर्स हो चुके हैं फ्रिज में रखने की वजह से मैरिनेशन चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से चिपक गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन हुआ है इसका। अगर आपके पास टाइम नहीं है 24 आवर्स रखने के लिए तो आप इसको 3 से 4 घंटे में भी पका के खा सकते हैं, बट अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए रखेंगे तो चिकन बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम इसे सीख में लगा लेंगे और एक बारी में 4 से 5 ही टिक्का लगाना है। और आप ध्यान रखिएगा, जब आप टिक्के को सीख में लगा रहे हों तो थोड़ा सा स्पेस देना है बोटियों में, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएंगे तो चिकन की जो बोटियाँ हैं उसमें से मैरिनेशन चिपकेगा नहीं। फ्रेंड्स, मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इसे रोस्ट करने के लिए। बस तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इसको अच्छे से तवे पे रख देना है और गोल गोल घुमाना है, इसको रख के छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और फ्रेंड्स, आप तवे पे ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा, थोड़ा कम ही लगाना है इस पे ऑयल हमें। बस ये जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आप देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया हल्का हल्का, तो हमें दूसरी तरफ से इसको पलट के रख देना है सीख को। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन टिक्का अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे आग पर रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है और हमें हाई फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करना है। सीख को एक ही जगह पर नहीं रखना है, इसे आगे पीछे करते जाना है ताकि सभी तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। वैसे तो ये 50% मैरिनेशन वाले प्रोसेस में और तवे वाले प्रोसेस में हो ही गया है, आप लोग भी इसे मेरे वाले स्टाइल में ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इसमें कोयले की स्मोक देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में चिकन टिक्के की खुशबू हो गई है। बस इसी तरीके से हमें सारे सीखों को रोस्ट करना है और अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप चिमटे से भी इसे अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सीख में से निकाल लेंगे और प्लेट आउट कर लेंगे। जब आप सीख में से निकाल रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप चिकन टिक्के को पीछे की तरफ से निकालना है, आगे की तरफ से नहीं निकालना, नहीं तो बोटियाँ टूट जाती हैं। ये देखिए आप फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ।
वैसे तो ये रेडी है, आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, मगर अगर आप दही डाल के इसको और अच्छे से मिक्स करके और मक्खन डाल के ये सब चीज़ें डाल के खाएंगे तो ये और ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। तो मैंने दही डाला है इसमें, जिसमें मैंने हरी चटनी मिक्स कर दी थी। अब मैंने मेल्ट हुआ वो मक्खन डाला है इसमें, अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे जिसको मैंने गोल गोल काट लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नींबू। फ्रेंड्स हमारा चिकन टिक्का ग्रेवी वाला बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कुक विद आमन को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।